है, स्वागत है आपका टेक्निकल। और आज हम देखने वाले कि आप कैसे आप एक सिंगल व्हाट्सएप अकाउंट मल्टीपल डिवाइसेस पे चला सकते हो, वो भी एक्जैक्टली सेम, एक्जैक्टली लाइक अ क्लोन। तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइसेस है। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि लाइक इसको परफॉर्म करने के लिए आपको कोई दो सिमिलर डिवाइस की जरूरत नहीं। तो आप एंड्रॉयड आईओएस भी यूज कर सकते हो, दोनों एंड्रॉयड भी यूज कर सकते हो, या फिर दोनों आईओएस भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए एक सिंपली एक प्री रिक्वेस्ट है कि आपको जो व्हाट्सएप आपको जिस अकाउंट को चलाना है, तो आपको एक कोई भी फोन में उसको प्राइमरीली लॉग्ड इन चाहिए। लाइक इन माय केस इट इज इन दिस फोन। तो ये फोन में मेरा जो व्हाट्सएप है वो प्राइमरी लॉग्ड इन है, एंड दैट्स इट, यू आर रेडी टू गो। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपका दूसरा डिवाइस है जिसमें आपको ये व्हाट्सएप रेप्लीकेट करना है, उस डिवाइस में आपको व्हाट्सएप जो है उसको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से, जो भी आपका डिवाइस है उस हिसाब से। देन आपको सिंपली ओपन करना है व्हाट्सएप, एंड आपको ये स्क्रीन से ग्रीट हो जाएगा। जैसे आप ये स्क्रीन पे आओगे, आपको यहाँ आके अग्री एंड कंटिन्यू करना है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह कुछ टाइप कुछ भी इनपुट नहीं करना है। तो सिर्फ आपको ये थ्री डॉट्स पे टैप करना है, लिंक टू एक्जिस्टिंग अकाउंट करना है, एंड यू विल बी हैविंग अ क्यूआर कोड ओवर हियर। तो यहाँ पे क्यूआर कोड आ जाएगा, तो आपको सिंपली इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है आपके प्राइमरी डिवाइस से। तो लाइक ये डिवाइस में मेरा व्हाट्सएप लॉग्ड इन है, तो मैं क्विकली अनलॉक करता हूँ। तो गाइस एक बार आप आपके प्राइमरी फोन में लॉग इन कर लोगे व्हाट्सएप में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक डिवाइसेस में। तो आपको सिंपली लिंक डिवाइस पे टैप करना है, और आपको टैप करना है लिंक डिवाइस पे, और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली जो हमारा जो टारगेट डिवाइस था उसको यहाँ पे आके स्कैन करना है। सो इफ आई अनलॉक दिस ओवर हियर, तो ये आपको सिंपली ये क्यूआर कोड स्कैन करना है। तो जैसे स्कैन हो गया, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिंग इन कर रहा है, एंड आपका डिवाइस जो है अपने आप यहाँ पे क्लोन हो जाएगा। तो आपकी जितनी भी चैट से जो भी डेटा है सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सारे चैट्स लोड हो चुके हैं, एंड दीज चैट्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो दोनों चैट्स एग्जैक्टली सेम है, दोनों में मीडिया भी सेम रहेगा। और आप इससे क्या कर सकते हो, आप दोनों जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो दोनों फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो ना। यहाँ से आप मैसेज रीड भी कर सकते हो, रिप्लाई भी कर सकते हो, वीडियो कॉल भी कर सकते हो, एंड जो भी सारी चीज़ें सारी परफॉर्म कर सकते हो, एंड इट विल बी रियल टाइम रिफ्लेक्ट। तो आप यहाँ पे कुछ रिप्लाई करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ से कुछ करोगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो दैट विल हैपन सेम ऑन बोथ ऑफ द डिवाइस। तो ऐसे कुछ करके आप अपना एक व्हाट्सएप नंबर मल्टीपल डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज और विदाउट हैविंग एनी कस्टम सेटअप। तो अगर इतना ही था इस वीडियो को, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को, एंड या आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।